औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा फिजिकल एजुकेशन सेकेंडरी की क्लास का आज का जो टॉपिक है वो है जी 400 मीटर स्प्रिंट रेस। एथलेटिक्स की फील्ड के अंदर 400 मीटर स्प्रिंट रेस जो है वो एक इंतहाई टफ इवेंट जो है वो कंसिडर किया जाता है, और ये स्प्रिंट रेसेस में ही आती है। यानी इसका शुमार जो है हम स्प्रिंट रेसेस के अंदर करते हैं। ये स्प्रिंट रेसेस में, जैसे आपको पता है कि 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेसेस जो है वो स्प्रिंट रेसेस के अंदर शामिल, उनका शुमार किया जाता है। तो 400 मीटर स्प्रिंट रेस जो है वो इंतहाई एथलेटिक्स के अंदर इंतहाई मुश्किल तरीके में कंसिडर किया जाता है, और इस रेस को जो है स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक, 400 मीटर का स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक है उसके ऊपर इसको दौड़ा जाता है। और ये इवेंट जो है वो तमाम एथलेटिक्स के बाकी इवेंट से बहुत ज़्यादा टफ कंसिडर किया जाता है, और इसको नॉर्मली वर्ड्स में मैन किलर के नाम से मशहूर किया जाता है, कि मैन किलर इवेंट के नाम से मशहूर किया जाता है। 400 मीटर का जो स्टैंडर्ड ट्रैक है, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताता चलूँ कि उसके यानी कि स्टैंडर्ड ट्रैक जो है उसकी मेजरमेंट जो है वो 400 मीटर होती है, और इसमें कम से कम गलियों की तादाद और जो है वो 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 गलियों की तादाद जो है वो रखी जाती है। नेशनल इंटरनेशनल कम्पटिशन में गलियों की तादाद जो है वो 8 होती है। गली का दरमियानी फासला जो है 1.22 मीटर होता है, यानी हर लेन का जो दरमियानी फासला है वो 1.22 मीटर कंसिडर किया जाता है, और ये इंतहाई टफ इवेंट कंसिडर होता है एथलेटिक्स की फील्ड के अंदर। और दूसरा, इस इवेंट को जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको मैन किलर का नाम दिया जाता है, यानी कि मैन किलर इवेंट कंसिडर किया जाता है। तो इसमें इस इवेंट के को दौड़ने के लिए यानी अगर खिलाड़ियों की तादाद जो है वो 8 से कम होगी तो, या फिर तो ये नहीं, एक सिंपल फाइनल इवेंट करवा दिया जाता है, और अगर खिलाड़ियों की तादाद 8 से ज़्यादा हो तो फिर हीट्स करवाई जाती है। यानी 100 मीटर की 400 मीटर की जितने भी खिलाड़ी हैं, अगर सपोज ज़्यादा खिलाड़ी होंगे तो उन खिलाड़ियों के लिए फिर हीट्स का कराया जाना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हीट्स कराई जाती हैं, और हीट्स में से जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड विनर होते हैं उनकी हर हीट में से खिलाड़ियों की तादाद को तय करते हुए 3 खिलाड़ी या 2 जो फर्स्ट खिलाड़ी होते हैं उनको चूज कर लिया जाता है, और उनको फिर फाइनल इवेंट में दौड़ाया जाता है। तो उसमें से जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजिशन क्लियर करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस इवेंट के अंदर यानी हर खिलाड़ी जो है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ट्रैक में दौड़ा जाता है, और हर खिलाड़ी अपनी ही अपनी राहदारी के अंदर, अपनी अपनी लेन के अंदर जो है अपना फासला मुकम्मल करता है। हर खिलाड़ी जो स्टैंड ट्रैक है आपको पता है वो बेजी शक्ल का होता है, तो खिलाड़ियों हर खिलाड़ी बराबर फासला तय करें, हर खिलाड़ी ताकि बराबरी के तौर पर फासला तय करें। किसी खिलाड़ी यानी कोई खिलाड़ी ऐसा ना हो कि वो कम फासला तय करे और कोई ज़्यादा करे। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए स्टैगर्स दिए जाते हैं, जिसको हम नॉर्मल वर्ड्स में जीने भी बोलते हैं। तो हर खिलाड़ी को स्टैगर्स दिए जाते हैं, जीने दिए जाते हैं, वो जीनों की मदद से, स्टैगर्स की मदद से जो है वो अपनी दौड़ों को, दौड़ को जारी रखता है। और जीने देने का मकसद जो होता है कि तमाम के तमाम खिलाड़ी जो हैं वो 400 मीटर का जो फासला है बेजी ट्रैक के अंदर वो मुकम्मल दौड़ सकें। तो जीने देने का जो तरीकाकार है कि फर्स्ट लेन में, पहली गली में कोई जीना नहीं दिया जाता, दूसरी गली में पहला जीना दिया जाता है, जिसका पहला जीना लगाने का जो तरीकाकार होता है वो, यानी वो जो लाइन ड्रा की जाती है उस लाइन से 7.04 मीटर के फासले पे दूसरा जीना लगाया जाता है। तीसरी गली के अंदर 7.67 मीटर के फासले पे जीना दिया जाता है, और इसी तरह चौथी गली में भी उससे आगे, यानी जो निशान तीसरी गली में आप ड्रा करते हैं 7.67 पे, उससे आगे मैयर करके 7.67, और इसी तरह बिल तरतीब आठवीं गली तक 7.67 के फासले पे जो है वो जीने दिए जाते हैं। तो ये तरीका कार है जी जीने देने का,
यानी स्टैंडर्ड ट्रैक में, और उसके बाद खिलाड़ियों की बारी का जो तयन है वो कुरानदाजी के जरिए किया जाता है। यानी हर खिलाड़ी जो अपनी बारी का तरीके में कुरानदाजी उसकी जिस लेंस की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुरानदाजी के साथ की जाती है। ये था जी थोड़ा सा 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक के वाले से हमने बात की, 400 मीटर रेस के वाले से हमने थोड़ी सी इसका तारुफ आपको कराया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मज़ीद इस टॉपिक के वाले से हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।